मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट मेन बेसिक कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेशन ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स. इन द लास्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. देयर रिलेशंस बिटवीन सम एलिमेंट्स आर देयर, ऑर्डर्ड पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कुछ बातें हमने की थी दैट टोटली डिपेंड ऑन द कार्टिजन प्रोडक्ट ऑन सेट्स. वो आपकी फर्स्ट जो बेसिक इंट्रोडक्शन थी वीडियो, उसके डिपेंडिंग कुछ एक्सरसाइज थी उसमें था आपका. अब उसके बाद जो टॉपिक आता आपका मेन टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है उसका जो मेन टॉपिक है दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन. तो टुडे वील डिस्कस अबाउट व्हाट इज ए रिलेशन. दिस इज अ टोटली इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन द टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड व्हाट इज ए रिलेशन. एक्चुअली में रिलेशन क्या है, एलिमेंट्स में, सेट्स में किस तरह से हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ए रिलेशन, डिफाइन ए रिलेशन. रिलेशन है क्या एक्चुअली में. रिलेशन हम नॉर्मली फिजिकली जो हम बोलते हैं इसको कि कोई एक इस तरह का रिलेशन नंबर्स में, जैसे हम मैथमेटिकली सिंबल से डिनोट करते हैं प्लस माइनस, ए प्लस बी, ये क्या एक रिलेशन तो दो एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है. तो मैथमेटिकली स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेशन में होती हैं, नंबर्स होते हैं, कोई प्रोडक्ट है, कोई डिविजिबिलिटी है आपकी, कोई एडिशन है, सब्सट्रैक्शन, जस्ट लाइक दैट दे ऑल आर एलिमेंट इन ए रिलेशनशिप. बट इन दिस केस सेट्स में, एलिमेंट्स में, हम किस तरह से रिलेशन को डिफाइन करते हैं, तो वो क्या है एक्चुअली में कि रिलेशन जो है, ठीक है, ए रिलेशन आर, डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, ए रिलेशन विद कैपिटल आर से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ए रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ, ठीक है, उससे पहले हम इसको ये भी लिख सकते हैं, रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए, ठीक है. रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी, ठीक है. क्या कहता है, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड एज फ्रॉम ए सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, सच दैट आर इज, जो रिलेशन है आपकी, ठीक है, आर इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ द कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ दैट सेट. मतलब कोई रिलेशन हम दो सेट पे डिफाइन करते हैं तो वो रिलेशन जो होती है वो हमेशा उन सेट्स के कार्टिजन प्रोडक्ट की सबसेट होती है. मतलब इफ़ वी डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन आर दैट रिलेशन इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ द कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ दैट सेट. मान लीजिए आपने कोई दो सेट एज्यूम किए, लाइक सेट ए हमारा है बेटा 1, 2, 3, सेट बी हमारा है 4, 5 एंड 6. तो सेट ए आपने डिराइव किया, बी आपने ये लिखा ए एंड बी, ठीक है, अंडर रिलेशन आर 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो जब आप इनकी कार्टिजन प्रोडक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कार्टिजन प्रोडक्ट, वो क्या होगी, वही 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 4, 1, 5, 1, 6, फिर 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, नेक्स्ट 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6. ये हमने कार्टिजन प्रोडक्ट लिखी. तो जितनी भी रिलेशंस हम इन दोनों सेट के डिपेंडिंग लिखेंगे वो सारे रिलेशन इस कार्टिजन प्रोडक्ट की सबसेट होंगी, हमेशा होंगी. कैसे, मान लीजिए मैं रिलेशन लिखूं यहाँ पे, कोई भी रिलेशन क्या होगा, आप कार्टिजन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट लिखते हैं एक्स वाई, ठीक है, सच एज दैट मैं लिखूं कि एक्स जो है वाई जो है ना, वाई जो है वो क्या है, एक्स प्लस थ्री है. मैंने क्या लिख दिया, वाई इज वॉट, एक्स प्लस थ्री, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी. ये मैंने बेटा एक रिलेशन डिफाइन कर दी. क्या कि रिलेशन मैंने कैसे डिफाइन की, आर सच दैट एक्स वाई इन ऑर्डर्ड पेयर इन विच वाई इज
थ्री मोर देन बाई एक्स, यानी कि वाई जो है वो एक्स से तीन बड़ा है। वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, एक्स आपका ए से बिलोंग करेगा, वाई बी से बिलोंग करेगा। तो भला सर एक बात बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री है, मैंने एक्स रखा वन, एक्स क्या रखा वन, तो वाई कितना आया फोर, मैंने एक्स रखा टू, वाई कितना आया फाइव, मैंने एक्स रखा थ्री, तो वाई कितना आया सिक्स। ये आपकी रिलेशन बनी यहाँ से, ये आपकी रिलेशन बनी, और वो क्या बनी वन फोर टू फाइव एंड व्हाट थ्री सिक्स। तो यहाँ से एक बात और आती है आपके दिमाग में कि सर क्या रिलेशन को हम दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म एज वेल एज रोस्टर फॉर्म। जी हाँ, द रिलेशन और एनी टाइप ऑफ रिलेशन कैन बी रिटन इन द टू फॉर्मेट, दैट इज व्हाट, फर्स्ट वन इज सेट बिल्डर फॉर्मेट एंड सेकेंड वन इज रोस्टर फॉर्म। अब ये बताइए कि अगर ये रिलेशन आपकी है, क्या ये सबसेट नहीं है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सेट। देखिए ना, वन फोर ये रहा सर, टू फाइव ये रहा, थ्री सिक्स ये है आपका। तो क्या होगा, जनरली ए रिलेशन दैट इज डिफाइंड अमंग्स और बिटवीन जो भी आपका है टू सेट्स, दैट कंप्लीटली डिपेंड ऑन टू सेट, दैट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दैट सेट। मतलब ए रिलेशन इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, and that subset is derived by the basically relationship between the elements of these two sets। जो subset आप देख रहे हैं कि कहाँ से हमारे पास आएगा, वो subset कैसे बनाएंगे हम, एक ऐसी relation लिखेंगे जो उन elements में आपस में अपने आप को derive करती है। अब बात आती है कि सर जो हम relation लिखते हैं, ये relation, इसमें हर एक वो second element जो in ordered pair में है, that is the image of first element। द सेकेंड एलिमेंट इन द रिलेशन इन केस ऑफ ऑर्डर पेयर, मतलब रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उसका हर एक सेकेंड एलिमेंट वो हमेशा जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं उनकी इमेज बनेगा। द सेट ऑफ ऑल सेकेंड नंबर इन ऑर्डर पेयर इन एनी रिलेशन इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अब बोला सर एक बात बताइए कि इमेज तो है, यानी कि वन की इमेज फोर है, आप यहाँ देखें टू की इमेज फाइव है, थ्री की सिक्स है, लेकिन इनको बोलेंगे क्या। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जब कोई रिलेशन आप लिखते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नोट डाल के, एनी रिलेशन आर दैट इज रिप्रेजेंटेड टू इटसेल्फ एक्स वाई, ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट बी, दैट इज डिफाइंड ऑन द टू सेट्स ए एंड बी। तो वो क्या होती है कि बोला सर जितने भी एक्स एलिमेंट हैं दे आर कॉल्ड द डोमेन, क्या कहलाते हैं डोमेन एलिमेंट, और जितने भी वाई हैं ये क्या कहलाते हैं रेंज, क्या कहलाते हैं रेंज। अब आपने जो रिलेशन लिखी है यहाँ पे बेटा, इसमें बेसिकली वन टू थ्री क्या बन गए डोमेन बन गए, फोर फाइव सिक्स क्या बन गए रेंज बन गए, और बेटा जो सेकंड सेट है जिस पे आपकी रिलेशन डिफाइन है दैट कंप्लीटली डिपेंड दैट नेम इज कोडोमेन, मतलब जो सेकंड सेट होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा कोडोमेन। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे सेवन और लिख देता तो उस सेवन का कोई मतलब नहीं था, हालांकि वो ऑर्डर्ड पेयर में आता, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो आप लिखते हो उसको, लेकिन इस रिलेशन में वो नहीं आता। तो बोले सर एक बात ये भी तो है कि कभी कभी हमें ये भी देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ सेवन नहीं था तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, रेंज कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है और उसकी सबसेट भी हो सकती है। तो ध्यान रखें, रेंज is always subset of what codomain, और equal भी होती है, equal भी होती है in case कब, जब second set के सारे element pairing में चले जाएं first के साथ। ठीक है, यह second element first की image कहलाता है और first second की क्या कहलाता है बेटा pre image। तो relation में क्या पढ़ा, basically हमने रिलेशन सीखी क्या, ए रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ऑन विच द रिलेशन इज डिफाइंड, इन दैट पर्टिकुलर रिलेशन एवरी फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड द डोमेन एंड एवरी सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ दैट रिलेशन एंड द सेकेंड सेट कंप्लीटली डिफाइंड एज द को डोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन, द रेंज इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ द को डोमेन एंड समटाइम्स वी विल फाइंड दैट रेंज इज इक्वल टू को डोमेन, इन दैट केस वी कैन से दैट द एवरी एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट इज पेयर्ड विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, then in that case the range is equal to codomain। तो basically क्या सीखा, range, domain, codomain किसी relation के।
अब वो रिलेशन कम्प्लीटली डिफाइन करती है कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट के। अब बात ये आती है कि क्या हम नंबर ऑफ रिलेशंस लिख सकते हैं कि किसी सेट के कितने रिलेशन आप बना सकते हैं, या फिर जो रिलेशन आप लिख सकते हैं वो बता सकते हैं कितनी रिलेशन बनेंगे किसी पे। तो मान लीजिए कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब क्या है कि जो रिलेशन आप लिखते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मान लीजिए आपने क्या लिखा कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, आपके पास कुछ एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको नंबर ऑफ रिलेशंस लिखने हैं, तो दैट नंबर ऑफ रिलेशन इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब आपने लिखा कि मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास पी है बेटा, सेट बी है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसमें क्यू, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज हाउ मेनी आर देयर, पी क्रॉस क्यू, क्या आएंगे पी क्रॉस क्यू। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी इज हाउ मच टू द पावर ऑर्डर ऑफ द नंबर, द नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ऑलवेज इक्वल टू द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट था। आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए आपको कह दें कि सर आपके पास हमने एक सेट दे दिया ए, ठीक है, ए सेट में आपके पास एलिमेंट है 1, 2, बी सेट में आपके पास एलिमेंट है 3, 4, राइट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है बेटा 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है आपका 2, द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज व्हाट, 2 to the power 2 into 2, क्योंकि दिस इज आवर पी एंड दिस इज आवर क्यू, एंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी 2 to the power p q, देन 2 raised to the power 4, हाउ मच ऑफ दिस 16 टाइप ऑफ रिलेशंस आर देयर, राइट। हम सबसेट भी लिख सकते हैं इनके, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बन जाएगी आपकी 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 4 एलिमेंट आर देयर एंड 2 raised to the power 4। इट मीन्स द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज डिफाइंड इज द सबसेट ऑफ व्हाट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। दिस इज कंप्लीट वीडियो डिपेंडिंग ऑन ए रिलेशन, दैट रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इन एनी रिलेशन वी इजिली फाइंड द डोमेन, देयर रेंज, देयर कोडोमेन, राइट। रिलेशन कैसे भी बन सकती है आपके एलिमेंट्स में, डिविजिबिलिटी पे, मल्टीप्लाई पे, एडिशन पे, सब्सट्रैक्शन पे, मोर देन पे, लेस देन पे, इस तरह से कोई भी रिलेशन आप एलिमेंट्स में लिख सकते हैं। वो एलिमेंट हमेशा उन दो सेट्स पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उनकी हमेशा सबसेट रहेगी, रेंज हमेशा कोडोमेन के सबसेट रहेगी। नंबर ऑफ रिलेशन क्या रहेंगे, दो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप दो सेट के लिखते हैं उनके पॉसिबल सबसेट जो बनते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ रिलेशन। दैट कंप्लीट बेसिक वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.2। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 2.2। बिफोर दैट कंप्लीट रिलेशन आप देखें, इससे कंसर्न जितने भी एग्जाम्पल्स हैं बुक में वो करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।